हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लेक्चर टू अकाउंट्स का डिस्कस करते हैं। आप सबने काम किया, होमवर्क किया, वेरी वेल, एंड योर होमवर्क विल बी कंसीडर्ड एज योर अटेंडेंस। ओके, तो सभी बच्चों ने होमवर्क करना है। आई वांट 100% अटेंडेंस इन माय क्लास। तो आज अकाउंट्स का सेकेंड लेक्चर हम देखेंगे। उससे पहले लेक्चर वन के कुछ डाउट्स थे जो मैं अभी यहाँ पर लूंगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में था, क्वेश्चन नंबर 6 था कि असेट्स, असेट्स क्या होती है। असेट्स वो होती हैं विच आर पोजेस्ड एंड कंट्रोल्ड। तो दो मेन फीचर उसमें होते हैं, क्या? पोजेस्ड एंड कंट्रोल्ड। ये मेन इंपॉर्टेंट है कि कंट्रोलिंग मस्ट है। कोई चीज, कोई असेट्स, कोई बिल्डिंग मेरी है, ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी है वो बिल्डिंग, लेकिन मैंने क्या किया, उसे किसी को डोनेट दे दिया। अभी भी वो मेरे नाम से ही है, लेकिन मैंने पूरे राइट्स उसको दे रखे हैं कि वो इस बिल्डिंग को जैसे चाहे यूज कर सकता है, इवन इसको सेल भी कर सकता है बिना मेरी परमिशन के, ठीक है। तो क्या है कि वो असेट्स तो मेरी है, लेकिन मेरा उस पर कंट्रोल नहीं है। तो कंट्रोल नहीं है तो मैं क्या उसे अपनी प्रॉपर्टी बोल सकती हूँ? जब उस पर मेरा कंट्रोल ही नहीं, मैं अपनी मर्जी से उसको सेल नहीं कर सकती, परचेज नहीं कर सकती, मेरा उस पर कोई राइट ही नहीं है, ठीक है, तो वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। तो कंट्रोलिंग मस्ट है, कंट्रोलिंग होनी चाहिए। कोई असेट्स मेरी है तो उस पर मेरा कंट्रोल भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? कंट्रोल्ड। मस्ट, उसमें एक वर्ड है मस्ट, मस्ट मतलब जो कंपल्सरी है। तो पोजेस्ट हो, मैंने लीज पर कोई असेट्स ले ली, ठीक है, बिल्डिंग में कोई लीज पर, लीज होता है लॉन्ग टर्म की, रेंट पर मैंने कोई बिल्डिंग ले ली कि मैं उसको यूज करूंगी 10 साल 15 साल तक और अपनी मर्जी से उसका यूज करूंगी, वो है किसी और की, ठीक है। तो पोजिशन किसी और की है लेकिन वो है मेरे कंट्रोल में, तो वो बिजनेस में मेरी, यानी कि बिजनेस की असेट्स मानी जाएगी, ना कि उसकी मानी जाएगी जिसके पोजीशन में वो है, जिसके ओनरशिप में वो है। तो पोजीशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, मतलब में क्या होता है, शायद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन मस्ट मतलब कंपल्सरी होना चाहिए। तो मस्ट क्या होना चाहिए उसमें? कंट्रोल, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का आंसर था कंट्रोल। एंड क्वेश्चन नंबर 10 में था, लास्ट क्वेश्चन में आपने ठीक किया कि उसमें ट्रांजेक्शन क्या है, ट्रांजेक्शंस क्या थी, सेल 20,000 की और परचेज 20,000, प्रॉफिट 6,000 और सेल 12,000 की गुड्स 6,000 के प्रॉफिट पर सेल करी तो 18,000। अब देखो इसमें ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज और सेल, सेल और परचेज दोनों क्या है, ट्रांजेक्शंस हैं, और प्रॉफिट इनका रिजल्ट है तो प्रॉफिट इवेंट है, करेक्ट है। लेकिन इसका रिजल्ट एक और हुआ, 20,000 की गुड्स मैंने ली थी और जिसमें से सिर्फ 12,000 की गुड्स ही अभी सेल की हैं, है ना, उस क्वेश्चन में कि 20,000 की गुड्स परचेज की जिसमें से 12,000 की अभी सेल की है 6,000 के प्रॉफिट पर। तो 6,000 जो प्रॉफिट हुआ वो मेरी इस ट्रांजेक्शंस का, इन दोनों ट्रांजेक्शंस का रिजल्ट है। लेकिन इनका एक और रिजल्ट है स्टॉक, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, मतलब जब ये ट्रांजेक्शन को मैंने खत्म किया तो मेरे पास स्टॉक कितना बचा, 20,000 का सामान मैंने लिया था, 12,000 का सेल कर दिया, तो बैलेंस कितना बच गया, 8,000। तो ये जो 8,000 है ये मेरा क्या है, स्टॉक जो रिमेनिंग मेरे पास बच गया, जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये भी एक इवेंट है। तो इस क्वेश्चन में दो ट्रांजेक्शंस हैं और दो इवेंट्स हैं। ट्रांजेक्शंस कौन सी है, परचेज ऑफ गुड्स 20,000 और सेल ऑफ गुड्स 18,000, ठीक है, और इवेंट्स कौन से हैं, प्रॉफिट 6,000 और स्टॉक 8,000, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए आगे का हम डिस्कस करेंगे। आज मैं बताऊंगी आपको कैपिटल के बारे में, जो वर्ड यूज होता है अकाउंट्स में बहुत ज्यादा, कैपिटल। कैपिटल होता क्या है, कैपिटल क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड टू
स्टार्ट अ बिजनेस। ठीक है, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें बिना पैसे के हम कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। हमें एक छोटी सी शॉप भी खोलनी है ना, तो हमें उसके लिए भी कुछ ना कुछ फंड्स चाहिए, कुछ पैसे चाहिए जिसको लगाकर हम उस बिजनेस को ओपन कर सके। देखो, हम दो तरीके के एक्सपेंसेस करते हैं, दो तरीके से खर्च करते हैं। या तो हम खर्च करेंगे अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, फ्रूट्स ले लिया, वेजिटेबल्स ले ली, ड्रेसेस ले ली, ठीक है। या फिर दूसरा खर्चा हम करते हैं कि हम पैसे लगा रहे हैं कहीं पर, किस लिए? ताकि इनसे हमारी अर्निंग आनी शुरू हो जाए। क्योंकि बिजनेस में जो हम पैसा लगाते हैं वो भी क्या करते हैं, हमारी तरफ से तो पैसा जाता है, खर्च है, लेकिन उस पैसे से हमें इनकम आनी शुरू होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस यही होता है, एक्सपेंस जब हम करते हैं तो हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट पर जो भी खर्चा किया जाता है, जो भी एक्सपेंस किया जाता है, उस एक्सपेंस से हमारी एक रेगुलर इनकम आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो कैपिटल क्या है, जो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो हमने अमाउंट, जो पैसे उस बिजनेस में लगाए, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो ये जरूरी नहीं है कि मनी ही हो, पैसे ही हो। जैसे दो पार्टनर हैं, दो पार्टनर ए और बी, इन्होंने मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया। ए के पास 10 लाख रुपीज थे, इसने 10 लाख रुपीज दे दिए। बी के पास लैंड थी, बिल्डिंग थी, लैंड थी, जिसकी लैंड की तो हम जमीन की मनी में वैल्यू काउंट कर सकते हैं। लैंड की वैल्यू थी 5 लाख। इसने बोला मेरे पास कैश तो नहीं है, लेकिन ये जमीन है, इस लैंड को मैं बिजनेस में लगाता हूँ। तो इसने लैंड दी और इसने क्या दिया, कैश दिया। तो ए की कैपिटल, ए ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया बिजनेस में, 1 लाख रुपीज का। और बी ने क्या इन्वेस्ट किया, लैंड इन्वेस्ट की, कितने की, 5 लाख रुपीज की। तो ये लैंड भी इसकी क्या है, कैपिटल। तो कैपिटल जरूरी नहीं है कैश होना चाहिए, ठीक है, वो कोई असेट्स भी हो सकती है, लेकिन वो असेट्स ऐसी जिसकी मनी में वैल्यू मेजर हो सके। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जिन असेट्स का मनी में मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, उन असेट्स को बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया। कैसे रिकॉर्ड करूंगी, क्योंकि मैं जो भी रिकॉर्ड करने जा रही हूँ, ये इतने रुपए की, ये इतने रुपीज की, इतने रुपीज की, ऐसे नोट करना है ना। अब किसी का मैं मनी में मेजरमेंट ही नहीं कर सकती कि मेरे पास एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। अब एफिशिएंट कितने, क्या मैं उनको मेजर कर सकती हूँ, नहीं कर सकती ना, तो इसलिए उनको कहाँ रिकॉर्ड करूंगी। तो मनी में मेजरमेंट होना जरूरी है, क्लियर है, वो होता है कैपिटल। अब देखो, कॉमन सी चीज मैंने आपको बताई कैपिटल क्या होता है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे, ये जो कैपिटल है ये बिजनेस के लिए असेट है या लाइबिलिटी, ये दोनों ही टर्म मैंने आपको बता दी थी, अभी डेप्थ में नहीं बताई। इनके भी टाइप्स होते हैं असेट्स के और लाइबिलिटीज के, वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मेन जो चीज है हम वो डिस्कस करते हैं कि असेट क्या होता है। हमें पता है हमारी प्रॉपर्टी जो ऑन और कंट्रोल है, मतलब जो हमारी है, जिन पर हमारा पूरा कंट्रोल है, तो हमारा कौन, बिजनेस की मैं बात कर रही हूँ। तो बिजनेस की जो जो प्रॉपर्टीज है, बिजनेस में लैंड है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, जो बिजनेस का है, जो बिजनेस का कंट्रोल है जिन पर, ठीक है, वो उसकी क्या है, असेट्स। और लाइबिलिटी कौन सी है, जो बिजनेस की अपनी नहीं है, ठीक है, यूज तो वो कर रहा है, लेकिन जैसे किसी से लोन ले लिया बिजनेस ने, लोन ले लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है पैसा उसी का हो गया, तो उसकी ऑब्लिगेशन बनती है कि उसे वापस करना है, ठीक है, तो वो उसकी लाइबिलिटी है। तो अब मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो कैपिटल है ये बिजनेस के लिए असेट्स है या लाइबिलिटी है। तो मोस्ट ऑफ द पर्सन, मोस्ट ऑफ द लोग क्या सोचते हैं कि कैपिटल तो असेट्स है, कैपिटल तो बिजनेस का पैसा है ना, तो बिजनेस के लिए असेट्स है। ऐसा नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग का सबसे मेन एक कॉन्सेप्ट होता है अकाउंट करने का, रिकॉर्ड करने का, जो कॉन्सेप्ट क्या है, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। जब हम बिजनेस की बात करते हैं ना, तो बिजनेस एक अलग पर्सन है और बिजनेसमैन एक अलग पर्सन है। हम दोनों को अलग अलग पर्सन मानकर चलते हैं, दोनों की अलग अलग आइडेंटिफिकेशन होती है। अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, देखो मान लो दो ब्रदर हैं, एक्स और वाई, क्लियर, ठीक है।
दोनों कहीं पर क्या करते हैं, दोनों को, दोनों ने एक ही जैसा बिजनेस स्टार्ट किया, एक ही जैसे दोनों ने 1 लाख रुपीज लगाए थे और बिजनेस स्टार्ट किया, सेम बिजनेस है दोनों का। अब एक्स को क्या हुआ, एक्स को बिजनेस में सारे सेल में से एक्सपेंसेस माइनस करके 50,000 रुपीज का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। जब एक्स को 50,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, वाई को भी 50,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। लेकिन वाई ने क्या किया, वाई को 20,000 रुपीज की जरूरत पड़ी, उसने अपनी ड्रेसेस लेनी थी, ठीक है, तो मार्केट गया तो वो अपने लिए शॉपिंग करके आ गया, 20,000 रुपीज की इसने शॉपिंग कर ली अपने लिए, और इसके पास बचे अब 30,000 रुपीज। तो इस केस में ये दोनों ब्रदर हैं, दोनों घर लेकर गए पैसे, एक्स ने 50,000 रुपीज दिए अपने पापा को कि ये मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, वाई ने 30,000 रुपीज दिए। तो उसके पापा ने पूछा कि जब तुम दोनों को मैंने सेम अमाउंट दिया था, सेम बिजनेस कर रहे हो, तो इसका मतलब वाई तो अच्छा काम नहीं कर रहे है ना, वाई ने गलत काम किया, वाई ने ठीक से काम नहीं किया, इसलिए वाई को प्रॉफिट सिर्फ 30,000 का हुआ, एक्स को 50,000 का। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। बिजनेस में जो काम किया गया था, बिजनेस ने तो दोनों को इक्वल प्रॉफिट दिया था, ठीक है, तो बिजनेस में जो काम हो रहा है, बिजनेस ने तो प्रॉफिट कितना दिया, दोनों को इक्वल दिया 50,000। लेकिन ये जो 20,000 रुपीज है ना, ये वाई ने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस किए, ना कि बिजनेस के लिए खर्च किया, बिजनेस के लिए कुछ नहीं लेकर आया, या बिजनेस के लिए परचेज किया, या बिजनेस के लिए कुछ लिया हुआ कोई एसेट्स नहीं, ये उसने अपने पर्सनल खर्चे, अपना जो है, अपना पर्सनल एक्सपेंसेस है उसका, तो वो क्या बोलेगा, नहीं पापा ये 20,000 तो मैंने खर्च कर दिए, बिजनेस से तो मुझे भी 50,000 ही मिले हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम इन दोनों की, अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो मैं बताती हूँ, कहीं जॉब करते हैं, दोनों की सेम सैलरी है 50,000 रुपीज, काम करने के बदले में इनको 50,000 रुपीज मिलते हैं दोनों को, वाई 20,000 रुपीज अपने पर्सनल खर्च कर देता है और 30,000 रुपीज उसके बचते हैं, तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि वाई की सैलरी 30 है और एक्स की 50। हम क्या बोलेंगे कि काम करने के बदले में दोनों को 50,000 मिल रहे हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस में चाहे तुम सारे खर्च कर दो, हम ये थोड़ी ना बोलेंगे। अब ये सारे के सारे 50,000 खर्च कर देता और बोलता कि मुझे तो बिजनेस से कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ, ये ठीक थोड़ी ना, ये तो बिजनेस की एक गलत रेपुटेशन हो गई। बिजनेस तो बिल्कुल ठीक ठीक तुम्हें दे रहा है ना, बिजनेस ने तो पूरे दिए थे, इसको भी इक्वल दिए थे और उसको भी इक्वल, ठीक है। तो ये कैसे कि जो पर्सनल है ना, जो बिजनेसमैन है, उसका, उसके एक्सपेंसेस, उसके इनकम अलग है, उसको हम बिजनेस में नहीं जोड़ेंगे। हम सिर्फ अगर बिजनेस की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं ना, तो सिर्फ बिजनेस के इनकम, बिजनेस के एक्सपेंसेस लेंगे, हम बिजनेसमैन के पर्सनल इनकम, पर्सनल एक्सपेंसेस को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि बिजनेस की परफॉर्मेंस है क्या, ठीक है। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, दोनों सेपरेट होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। मान लो एक्स है बिजनेस, बिजनेस को हम एक अलग पर्सन मानकर ट्रीट करते हैं, और वाई जो है वो है बिजनेसमैन। अब जब कभी भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, वाई ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो वाई ने 1 लाख रुपीज बिजनेस को एक तरीके से दे दिए, ठीक है। वाई ने 1 लाख रुपीज बिजनेस, जैसे हम किसी को पैसे दे देते हैं यूज करने के लिए कि ये लो ये पैसे तुम यूज करो, तो ऐसे थोड़ी ना देते हैं, हम उससे क्या चाहते हैं, इंटरेस्ट चाहते हैं कि इस पैसे को यूज करने के बदले में तुम मुझे क्या दो, इंटरेस्ट दो, ये पैसे मेरे ही रहेंगे, ठीक है, और अगर तुम मुझे टाइम पर इंटरेस्ट नहीं दोगे तो मैं ये पैसे तुमसे वापस ले लूंगा। तो इसी तरीके से मतलब ये दोनों अलग अलग पर्सन है, वाई भी किसी को पैसे देगा ऐसे नहीं देगा, वाई 1 लाख रुपीज बिजनेस को दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि वो इससे क्या चाहता है, प्रॉफिट चाहता है, ठीक है। तो एक्स वाई क्या, एक्स क्या देगा वाई को, प्रॉफिट, और वाई ने एक्स को क्या दिया, कैपिटल। अभी हमने बताया कि कैपिटल क्या होती है, जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है, तो वाई ने कैपिटल दी एक्स को, क्यों दी, क्योंकि इसके बदले में वो इससे क्या चाहता है, प्रॉफिट चाहता है, ठीक है। अगर मान लो मैंने किसी को पैसे दे दिए इंटरेस्ट पर, वो टाइम पर इंटरेस्ट नहीं दे रहा, मैं क्या करूंगी, एक बार देखूंगी, दो बार देखूंगी, तीन बार, जब एक दो साल हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगी, मेरा पैसा वापस करो, है ना। तो ऐसे ही बिजनेसमैन भी बिजनेस को जब फंड्स देता है, कैपिटल देता है, तो उससे एक्सपेक्ट करता है कि वो उसको प्रॉफिट दे। कोई बिजनेस मान लो स्टार्टिंग में 1 ईयर प्रॉफिट नहीं दिया, 2 ईयर नहीं दिया, 3 साल वो देखेगा, बार 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 5-6 साल लगातार लॉस हो रहा है, तो बिजनेसमैन क्या करेगा कि मेरे पैसे वापस करो। अब इसको कैसे बोलेगा वापस करो, अब इस पैसे से इसने बिजनेस में जो जो चीजें ली थी, ठीक
ठीक है, इससे बिल्डिंग ली थी, असेट्स ली थी, फर्नीचर लिया था, जो भी स्टॉक लिया था सब कुछ सेल करेगा मार्केट में, और जितने पैसे मिलेंगे वो वापस ले लेगा और बिजनेस को खत्म कर देगा, लिक्विडेट कर देगा। लिक्विड वर्ड यूज होता है अकाउंट्स में कैश के लिए, किसके लिए, कैश के लिए। इसको लिक्विड कर देगा, कैश में कन्वर्ट कर देगा, जितना मिलेगा, पूरा मिले या ना मिले, जितना मिलेगा वो पैसा अपना वापस ले लेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, देखो हम जब अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, हम बिजनेस की कर रहे हैं, बिजनेसमैन की नहीं कर रहे। सबसे पहली बात तो ये, हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, बिजनेस के प्रॉफिट को सर्च करते हैं, ना कि बिजनेसमैन की। तो जब हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए ये जो कैपिटल है, अब मैंने किसी से पैसे उधार ले लिए तो मेरी थोड़ी ना हो गए, मेरी एसेट्स थोड़ी ना, ठीक है, मैं यूज जरूर कर रही हूँ, बिजनेस इस पैसे को यूज जरूर कर रहा है, लेकिन ये पैसा बिजनेस का है नहीं, किसका है, बिजनेसमैन का। ठीक है, जब मैं किसी के पैसे को यूज कर रही हूँ तो मेरी लायबिलिटी बनती है कि मैं वो पैसा यूज करके उसको वापस कर दूं। तो बिजनेस की भी लायबिलिटी बनती है कि वो उसको वापस करे, लेकिन बिजनेस कब वापस करेगा, जब ये खत्म होगा। बिजनेसमैन बिजनेस को पैसे देता है उसकी लाइफ टाइम के लिए, तुम इसको यूज करो और इसको यूज करो, जब तक यूज करना चाहते हो यूज करो, मुझे बस प्रॉफिट देते रहना, प्रॉफिट देते रहना, और अगर तुम प्रॉफिट नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, मैं अपने पैसे वापस ले लूंगा। यानी कि ये बिजनेस वाई को ये पैसे कब वापस करेगा, जब ये खत्म हो जाएगा, जब बिजनेस ओवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वापस तो करेगा ना। ठीक है, और तो ये कैपिटल, कैपिटल बिजनेस के लिए क्या हो गई, लाइबिलिटी, और बिजनेसमैन के लिए क्या है, असेट्स। लेकिन हम तो बिजनेसमैन की अकाउंटिंग कर ही नहीं रहे, हम किसकी कर रहे हैं, बिजनेस की। तो कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी, और बिजनेस इस पैसे से जो भी कमाएगा वो सारा प्रॉफिट किसको देगा, वाई को। तो वाई को प्रॉफिट देना भी एक्स की क्या है, मैंने पैसे ले लिए किसी से यूज करने के लिए, तो वो पैसे वापस करना भी मेरी लाइबिलिटी है, और उस पैसे पे इंटरेस्ट देना भी मेरी लाइबिलिटी है। ठीक है, तो इस पैसे को वापिस करना भी इसकी लाइबिलिटी, एक तरीके से कर्जा हम बोलते हैं, जब हम किसी से उधार लेते हैं तो भी हमारे ऊपर कर्जा हो गया। तो एक्स के ऊपर एक कर्जा है, किसका, बिजनेसमैन का, कितना, 1,00,000 रुपीज, जो कैपिटल ये लेता है। ठीक है, उसके बदले में ये क्या देता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट देना भी बिजनेस की क्या है, लाइबिलिटी। तो किसी भी बिजनेस के लिए कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। क्यों लाइबिलिटी होती है, एक कॉन्सेप्ट के लिए, कौन सा कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंड बिजनेसमैन, बोथ आर सेपरेट, दोनों अलग अलग हैं, बिजनेस की आइडेंटिटी अलग, बिजनेसमैन की आइडेंटिटी अलग। ठीक है, इसीलिए कैपिटल बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है और प्रॉफिट भी बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। मान लो एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया 10,00,000 रुपीज से, कितने रुपीज लगाए, 10,00,000 रुपीज लगाए। अब एक्स ने कैपिटल दे दी बिजनेस को, बिजनेस के पास कैपिटल आ गई। ठीक है, क्या है, लाइबिलिटी। जब कभी भी मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगी ना तो क्या करूंगी, या तो मेरे पास पैसे अपने होने चाहिए या मैं किसी से उधार लेकर, लोन लेकर बिजनेस शुरू करूंगी। तो एक्स ने जो बिजनेस शुरू किया 10,00,000 रुपीज, वो इसके पास अपने आप पास थे, और 5,00,000 रुपीज इसने क्या किया, बाहर से लोन लिया। क्या लिया, बाहर से लोन लिया। 10,00,000 रुपीज इसके अपने थे और 5,00,000 रुपीज का इसने बाहर से क्या लिया, लोन लिया। तो ये जो बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस कैसे रिकॉर्ड करेगा, बिजनेस रिकॉर्ड करेगा कैपिटल को। कैपिटल क्या है बिजनेस के लिए, एक लाइबिलिटी। ये दोनों ही पैसे बिजनेसमैन ने बिजनेस को दे दिए, इनको यूज करो, इनके बदले में मुझे प्रॉफिट दो। तो बिजनेस ने 10,00,000 रुपए लिए किससे, बिजनेसमैन से। 5,00,000 रुपीज कहां से लिए, कहीं बाहर से, बैंक से लोन लिया। तो बिजनेस के ऊपर दो तरीके का कर्जा हो गया। कौन सा कर्जा हुआ, एक तो लाइबिलिटी है जो इसने बिजनेसमैन को देनी है, बिजनेसमैन से उधार लिया था एक इसने, कितना, 10,00,000, और एक लाइबिलिटी है जो इसने बाहर से, बैंक से लोन लिया था, बैंक वाले को देना है, कितना, 5,00,000।
ठीक है, जितने टाइम के लिए, 5 साल 10 साल, जितने टाइम के लिए है उतने टाइम बाद इसको वापस करना है। और बिजनेस मैन ने जो पैसे दिए उसको लाइफ टाइम के लिए दिए कि जब तक बिजनेस चलेगा तब तक यूज करो और जैसे ही बिजनेस खत्म होगा ये पैसे सेल करके मुझे वापस करने। तो बिजनेस के लिए ये दो तरीके की लाइबिलिटी होती है, इन्हीं इसी पैसे से बिजनेस शुरू होगा, बिजनेस में जो भी एसेट्स आएंगे सारी इन्हीं पैसे से आएंगे, ठीक है। तो बिजनेस के लिए दो तरीके की लाइबिलिटी हुई, एक कौन सी जो बिजनेस मैन के लिए है, दूसरी कौन सी जो एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहर, एक्सटर्नल एक्सटर्नल मतलब जो बाहर वालों को देना है। और बिजनेस मैन के लिए जो लाइबिलिटी है वो क्या है, इंटरनल, इंटरनल मतलब जो अंदर वालों को, घर वालों को देना है। मैं अपने हस्बैंड से पैसे उधार ले लूं, ठीक है, तो वो इंटरनल लाइबिलिटी है, उधार तो लिया तो मुझे वापस करने, वापस करूं ना करूं या बाद में वापस करूं, ठीक है, मुझे उनकी इतनी चिंता नहीं। लेकिन मैं बाहर से अगर किसी से पैसे ले लेती हूं, एक्सटर्नल ले लेती हूं, तो मुझे चिंता रहती है कि मुझे इसको वापस करना है, ठीक है। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी की चिंता बिजनेस को भी होती है, क्यों, क्योंकि वो वापस करनी है, और इंटरनल लाइबिलिटी की बिजनेस को चिंता नहीं होती, ठीक है। तो इंटरनल लाइबिलिटी कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, लेकिन लाइबिलिटी तो है ना, तो कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, इंटरनल लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी। और जो आउटसाइड से लोन लिए जाते हैं वो सारी क्या है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ठीक है। तो बिजनेस के लिए टू टाइप्स की लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो मेन हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, आगे इसको और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो अभी हम सिर्फ इतना ही डिस्कस कर रहे हैं, आज के लेक्चर में हमने, मैंने सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के बारे में बताया है कि कैपिटल है क्या, ठीक है, क्या होती है और बिजनेस इसको कैसे रिकॉर्ड करता है, बिजनेस के लिए ये असेट्स है या लाइबिलिटी है। तो बिजनेस के लिए क्या है, ये लाइबिलिटी। क्यों लाइबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, दोनों अलग अलग हैं। ये बिजनेस मैन की असेट्स है लेकिन बिजनेस की असेट्स नहीं है, बिजनेस मैन तो ये पैसा लिया है सिर्फ यूज करने के लिए, क्लियर है। तो कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी होती है बिजनेस के लिए, क्लियर, थैंक यू।